Hi friends, welcome to my channel in Transaction Dhyan, and in this channel I will tell you about the main role of civil engineer, and I am a civil engineer by profession. So what's up my YouTube family, welcome to my channel Transaction Dhyan. तो मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ पे जो बच्चे अब नए नए आ रहे हैं जिन्होंने ITI प्लस डिप्लोमा प्लस BTech जो सिविल से लिए ओनली फॉर सिविल, तो उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है हाईवे पे, नेशनल हाईवे की बात करने जा रहा हूँ मैं। नहीं तो यार हाईवे तो रोज ही बनते हैं यहाँ पे, हाईवे तो भाई उतने ही नहीं वाले, हाईवे तो बनते ही रहने लिए लाइफ टाइम। तो इसमें जो मैं यहाँ पे अभी मेरा ATM प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे हाईवे ही बनना है, पूरा पूरा हाईवे बनना है 4 लेन का। और इसमें जो बनाते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन द सेंस पहला जैसे VUP, दूसरा PUP, तीसरा बॉस कलवर्ट। और ये सब तीनों चीज़ें आपने रियल लाइफ में भी दे ली हैं, पर आप मतलब भी इन्हें मेंशन नहीं लिया अपनी रियल लाइफ में। मैं बताया इनके लिए फुल फॉर्म जान लेते हैं एक बार, ये होता है व्हीकल अंडरपास, ये होता है पेडिस्ट्रियन अंडरपास, और ये होता है बॉस लेटर, जिसे हम बॉस लेटर भी बोल देते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग बताना चाह रहा हूँ। तो ये तीनों ही मेन चीज़ें हमारे हाईवे में जो क्लाम आती हैं, जहाँ से हाईवे यहाँ बनना है और यहाँ से कोई रोड जा रही है, मतलब बाईपास छटा है यहाँ से, तो वहाँ पे फ्लाईओवर बनता है, ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास बनाए जाते हैं। क्यों? जिससे कि हमारे जो वाहन है वो गाँव में चले जाए या फिर विलेज में आउटपुट इनपुट हो जाए इंदला, इसलिए ये बनाए जाते हैं। VUP और PUP यहाँ बनाए जाते हैं। बहुत से में आने वाले वीडियो में आप लोग बताऊँगा। तो मैं जहाँ पर अभी हूँ वहाँ पर मैं अपना अंडरपास बनवा रहा हूँ VUP वाला, व्हीकल अंडरपास। तो इतना हार्ड भी नहीं है इसे बनाना यार, वैसे इतना कोई मेन रोल नहीं है, पर हाँ आप समझ जाओ तो बहुत बेटर है, ये आने वाले टाइम में बहुत नीड होने वाली है। और आप समझो इस बात को यार, सीरियस थोड़ा सीरियस हो जाओ, आप लोग बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अभी जो मेरी सैलरी है अराउंड 35,000 है, जो PF VF जो लटके आती कंपनी से, तो मुझे 35 इन हैंड मिलती है बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। भाई मुझे पूरी नॉलेज है इसी चीज़ की, यूपी के बारे में। यूपी छोटी बड़ी चीज़ तो चीज़ नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में और बहुत ही लंबी चौड़ी होती है। सब बताने वाला हूँ सब डिटेल में, बस वीडियो आप देखते रहें एंड तक। मतलब VUP लंबाई चौड़ाई और हाइट ऊंचाई हम नाप लेते हैं, जहाँ पे मैं बना रहा हूँ अलोडिंग टू ड्रोइन, ये सब ड्रोइन के हिसाब से होता है अलोडिंग टू ड्रोइन, तो ड्रोइन के हिसाब से बनाया जाता है। जहाँ पे मैं हूँ इस समय, तो उसकी लंबाई 30 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 5 मीटर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब जो हाईवे छोटे होते हैं, 2 लेन हुआ या 1 लेन हुआ, तो उस पर इनकी भी लंबाई और ये चौड़ाई और ऊंचाई वेरिएंट होती है। मतलब एक बार ये 20 मीटर इंटू 10 मीटर और 3 मीटर, इन मतलब भी ऐसे बनाए गए, मतलब जो भी हमें ड्राइंग में दिया होता है। तो मैं अब आप लोग बताने जा रहा हूँ स्टेप, जो हमारे स्टेप हैं, जैसे मतलब भिन्नता जैसे है, मतलब ये हमारी शुरुआत जैसे होती है VUP के लिए। तो स्टेप 1 PCC, स्टेप 2 लेआउट, स्टेप 3 फिर जहाँ पे हमारे स्टील क्लीच जो होता है उसे फिर बांधना, स्टील क्लीच तो बांधना, स्टेप 4 कंप्लीट। तो आप अगर इन 4 चीज़ों को समझ लें ध्यान से, तो आप जो फाउंडेशन है VUP की फाउंडेशन, मतलब नींव, वो रेडी होने वाली है।
वो रेडी होने वाली फाउंडेशन, यूपी की फाउंडेशन। और मैं आप लोग बीच में भी फोटो भी भेजूंगा बीच बीच में, तो आप लोग सब समझ में आने वाला है कैसे पीसीसी होती है, कैसे लेआउट होता है, स्टील के जब बांधते हैं ऊपर फिर एंड में लॉन्चिंग कर दी जाती है इसमें। तो हमारा पहला सवाल आता है पीसीसी, जिसे हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। जैसे मुझे पता है मेरा लैंड है पूरा, और यहाँ मुझे अपना अंडर पास बनाना है, तो अंडर पास के लिए मैं यहाँ पे लेआउट होता है जो सर्वे वाले करते हैं लेआउट, और मतलब हमें भी लेना पड़ेगा साइड पे, तो वो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट दे देता हूँ, 1 2 3 4। और यहाँ पे हम चाहते हैं फिर चैनल अपने, ये चैनल है हमारे चैनल जिनकी 100 mm थिकनेस होती है, 100 mm 100 mm। हम चारों तरफ चैनल बिछाते हैं और इसके बीच में हम क्लोन सीट भर देते हैं, जो मसाला जो आ रहा है आपने मतलब लेंटर पड़ता है तो वहाँ पे मसाला रेडी होता है, तो वही मसाला हम इसमें डाल देते हैं, तो ऐसे मेरा पीसीसी रेडी हो जाती है। आपको मैं फोटो भेजूँगा, और इस पे स्क्रीन पे मतलब फोटो ऐसे पीसीसी बहुत लगवाई थी मैंने वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे व्यू पे बनवा रहा था। फिर दूसरी आती है लेआउट, वही लेआउट मेरी पीसीसी रेडी है लैंड पे, मैंने पीसीसी करवा दी अपनी, ये पीसीसी हुई पड़ी है मेरी। अब लेआउट में हमें दिया था पॉइंट कि आपने यहाँ से यहाँ जाल बांधना है और यहाँ से यहाँ जाल बांधना है, भाई यहाँ से यहाँ जाल बांधना है। तभी तो हमें चले पता, हाँ भाई हमारा सरिया पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है हमारा सरिया कहाँ कहाँ पे आना है। अब की जाती है बता, फिर सेंटर पर वाला पॉइंट भी दिया था, तो हम यहाँ से और इनके बीच में यहाँ से जाल बांधा जाता है भाई, फिर यहाँ से हर स्टील जो आती है वो सब यहाँ पे बांध दी जाती है, जो स्टील हम हमारा तो एंड टू एंड बनाते थे साइड पे स्टील बना देते और यहीं पे कर देते फिटिंग है। ऐसे आप तो इसमें मैं पिक्चर भेजूंगा, उसमें आप सब सब समझ में आने वाला है कैसे हम बनाते हैं। फिर आप पूछने लिए भाई ये स्टील कैसे बनाते हैं, मतलब जैसे ना स्टील मतलब यार स्टील तो 12 मीटर का होता है ना, ऐसे सरिया मतलब सरिया तो 12 मीटर का होता है, तो हम इसे कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे मतलब इसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास, इसके लिए हमें प्रोवाइड होता है बी बी एस भाई, ये होता है बार बेंडिंग शेड्यूल, वो मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। इस पर टॉपिक है पूरा, ये बी बी एस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पर ये मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत यूज में आने वाला है, जो अभी भी जिन्होंने जो फ्रेशर है उनके लिए बहुत यूज माना है बी बी एस क्या होता है। इसी के हिसाब से हमें सरिया स्टील जो सरिया है उसे हम बेंडिंग होती है और फिर थ्रेडिंग होती है, इसी के हिसाब से होती है, इसीलिए हिसाब से होती है भाई, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बी बी एस। तो हमारा जो स्टील लेज है वो भी रेडी हो चुका है, स्टेप 3 जो है हमारा स्टील लेज, स्टेप 3 स्टील लेज जो है वो भी हमारा हमने यहाँ बांध दिया है। अब होने लिया इस पे यार, बस हमारा फाउंडेशन हमारी रेडी है व्यू पे, और यहाँ पे फिर हम M20 या M25 जो सीमेंट होता है मिक्सचर जो होता है सीमेंट वाला, जैसे लेंटर पे डालते हैं मसाला वही आता है बना बनाया, वो यहाँ पे हम उसे डाल देते हैं पूरे पे, अच्छा हम पूरे पे डाल दिया हमारे जो फिर फाउंडेशन है वो हो चुकी है रेडी, ये नहीं हो चुकी रेडी। अब इसके बाद जो भाई जो मेन है ना टॉपिक वो आने वाला है, यहाँ पे तो मेरी फाउंडेशन रेडी हुई है, अब इसके बाद जो पार्ट आने वाले मेरे यूट्यूब पे पार्ट में डालूंगा, तो अभी तो पार्ट 1 में मैंने बताया है फाउंडेशन नीव, पार्ट 2 में बताऊंगा हॉन्च प्लस वॉल, वॉल मतलब दीवार, दीवार कैसे बनाई जाती है इसकी। पार्ट 3rd में बताने वाला हूँ हॉन्च प्लस स्लैब, स्लैब माने छत, जो फाइनल पार्ट है हमारा। तो भाई आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, और इसे आप देख लें और अपने इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले अपने,
ये बहुत इस्लाम आने वाली है भाई आने वाले टाइम में, तो मेरे तीनों पार्ट आने वाले हैं बहुत जल्द मेरे यूट्यूब पे, तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये भाई बहुत जो फ्रेशर है उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपको मतलब ऐसे बता रहा हूँ, कोई बताता भी नहीं है ये सारी चीज़ें भाई। और जो जैसे मतलब बेसिक इसमें जो यूज होती हैं चीज़ें, बेसिक चीज़ जो होती हैं हमारे यहाँ पे, जैसे प्लेट्स, केवलर पाइप, जॉइंट पिन, सपोर्टर्स, चैनल्स, भाई इतनी चीज़ें यूज होती हैं इसमें ETC। वो मैं सब बताने वाला हूँ, प्लेट मतलब प्लेट से साइज साइज इतना होता है, क्लैपर पाइप होते इतने हैं, किस चीज़ में यूज आते हैं, जॉइंट पिन किस चीज़ में यूज आती हैं, सपोर्टर्स हमें इतना देने पड़ते हैं वॉल पे सपोर्ट, प्लस स्लैब पर, प्लस हॉन्च पर, इन सब पे सपोर्ट हमें देने ही पड़ते हैं भाई। फिर चैनल इतने 100 mm वाले इतने चैनल आते हैं, तो ये सारी जो मैंने जो नॉलेज की है अपने जीवन में, मैं आप सबको तो बताने वाला हूँ भाई, ये बहुत यूज में आने वाले हैं, बहुत सीरियस हो जाओ आप, और बहुत अच्छी अच्छी जॉब निकल रही है और उसमें यही सवाल पूछे जाते हैं, और मैं ये बताऊँगा आपको आने वाले वीडियो में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, उनके आंसर क्या क्या होते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आप लोग प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे मतलब प्रॉब्लम आती है फाउंडेशन समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस टॉपिक तो दोबारा से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, अगर आप नहीं समझ में आया तो। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मतलब भाई मैं तभी वीडियो डालूंगा जब मेरे अच्छे सब्सक्राइबर आएंगे, जब भाई जब मेरे भाई सपोर्ट करेंगे ना तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, और ऐसी बात नहीं है, आप मुझसे आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं बाय FB एंड इंस्टा, भाई लाइव बहुत अच्छी होने वाली है इसलिए बाद। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।